हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे भाषा भारती हिंदी विशिष्ट कक्षा 5 का पाठ 9, रम्मू और कल्लो। तो इस कहानी का सारांश देखते हैं अपन, रम्मू और कल्लो। इस उनको लिखा है डॉक्टर कृष्ण कृपाल रस्तोगी जी ने। कहानी का सारांश है, प्रस्तुत कहानी रम्मू और कल्लो सक्षम कहानीकार डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी द्वारा लिखित है। इसमें लेखक ने काम वाली महिला की दो पुत्रियों के पढ़ाई द्वारा जीवन परिवर्तन होने का सुंदर वर्णन किया है। लेखक बाबूजी के घर में रधिया की नाम की एक सफाई कर्मी कार्य करती है। काम में हाथ बटाने के लिए वह अपने दो पुत्रियों रम्मू और कल्लो को भी साथ लाती है। दोनों लड़कियां पढ़ाई की उम्र में भी पढ़ाई से वंचित हैं। बाबूजी उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए रम्मू और कल्लो को भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वह रधिया से भी इसके लिए बात करते हैं और उसे सहमत कर लेते हैं। काम में माँ का हाथ बटाने के पश्चात दोनों लड़कियां दोपहर में बाबूजी के पास पढ़ने आने लगती हैं। दोनों वर्ष भर बहुत लगन से पढ़ती हैं और एक ही वर्ष में कक्षा 8 के स्तर तक पहुंच जाती हैं। अपनी मेहनत के बल पर वे कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेती हैं। अब बाबूजी दोनों लड़कियों को अध्यापिका बनने की सलाह देते हैं। थोड़े से प्रयास के पश्चात दोनों का प्रवेश शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में हो जाता है। दो वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के पश्चात उन्हें अध्यापिका पद पर नौकरी मिल जाती है। कुछ समय बाद दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। वास्तव में बाबूजी की सलाह व प्रयास तथा दोनों लड़कियों की मेहनत उसका जीवन बदल देती है। अब अपन इसका अभ्यास देखेंगे। ये है पाठ रम्मू और कल्लो। अब इसका लेखक परिचय देख रहे हैं। एक मिनट। इन लेखक का आपका जन्म 1 जुलाई 1928 बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने भाषा विज्ञान और मनोभाषा विज्ञान, हिंदी व्याकरण आदि विषयों में शोधपरक कार्य किया। आपके अनेक कहानी संग्रह तथा अनेक शोध प्रपत्र तथा लेख प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी व्याकरण पर अनेक पुस्तक का प्रणयन आपने किया है। आपका हिंदी के अलावा अंग्रेजी व तमिल भाषा में भी समान अधिकार है। अब इसका वो करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्ध शब्द को से खोज कर लिखिए। फायदा ये दिया है, फायदा यानि लाभ, गुजारे यानि व्यतीत किए, निरादर यानि अपमान, बेईमानी यानि स्तंभित जड़वत, आश्वस्त मतलब विश्वास से लेना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रधिया की लड़कियों के ना क्या नाम है? रधिया की लड़कियों के नाम रम्मू और कल्लो हैं। रम्मू और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी? ये दिए हैं उसमें पुस्तक में प्रश्न, ये पूरे प्रश्न दिए हैं, इनके अपन उत्तर लिखते हैं, पढ़ते हैं।
रम्मो और कल्लो ने पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की थी। रम्मो और कल्लो की परिवार में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, साथ ही वे दोनों माँ के साथ काम में हाथ बटाती थीं, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकी। बाबूजी ने दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे? बाबूजी को दोनों बहनों में अपनी पुत्रियों का भास हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या ये उन दोनों का जीवन ऐसे ही व्यतीत होगा, इसलिए वे उन दोनों को पढ़ाना चाहते थे। रधिया लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? दोनों लड़कियां काम में रधिया की सहायता करती थीं। यदि वे दोनों पढ़ने लगती तो रधिया को काम में कठिनाई होती, उसके घर छूट जाते। यही सब सोचकर रधिया लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहती थी। बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ाने लिखने के में किस प्रकार सहायता की? बाबूजी ने लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, उनकी माँ को इसके लिए सहमत किया। वर्ष भर तक बाबूजी ने दोनों बहनों को स्वयं पढ़ाकर उनकी सहायता की। रम्मो और कल्लो को शिक्षक प्रशिक्षण संस्था किस आधार पर प्रवेश मिला? रम्मो को परीक्षा फल के आधार पर तथा कल्लो को परीक्षा फल एवं खेलों के प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश मिला। पढ़ाई करते हुए भी हम घर के कामों को किस प्रकार मदद कर सकते हैं? पढ़ाई करते हुए भी हम घर के छोटे मोटे कार्यों में अपनी माँ की और पिताजी इत्यादि की मदद कर सकते हैं। बाबूजी ने दोनों लड़कियों का जीवन किस प्रकार बदल दिया? बाबूजी ने मामूली सफाई कार्य करने वाली दोनों लड़कियों को पढ़ा लिखा कर उन्हें योग्य अध्यापिकाएं बनाने में सहायता की, और इस प्रकार उन्होंने दोनों लड़कियों का जीवन बदल दिया। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहे? क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? बाबूजी ने दोनों लड़कियों से कहा। क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? यह बाबूजी ने दोनों लड़कियों से कहा। पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा? काम तो इन्हें यही करना है, रधिया ने बाबूजी से कहा। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये लिखे रिक्त स्थान किताब में। प्रश्न चौथा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसको भरते हैं। बच्चों में उनके प्रति खाली स्थान था, तो खाली स्थान में अपनापन। पढ़ लिख कर रम्मो का नाम खालिस्थान और कल्लो का नाम खालिस्थान हो गया। रम्मो का नाम रमावती और कल्लो का नाम कलावती हो गया। रधिया, तुम इन लड़कियों को खालिस्थान क्यों नहीं भेजती हो? खालिस्थान में आएगा विद्यालय। दोनों परीक्षा में खालिस्थान हो गईं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी शब्द लिखिए। फायदा यानी लाभ, मतलब यानी अर्थ, मायने यानी गुजारे, अर्थ मायने मतलब का मीनिंग होगा, मतलब सब हिंदी शब्द होगा अर्थ मायने। गुजारे का अर्थ होगा व्यतीत किए, और जरूरत का अर्थ होगा आवश्यकता। किताब का अर्थ होगा पुस्तक। आंटी का अर्थ होगा चाची। थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया शब्द युग्मों में योजक चिन्ह लगा है। इस पाठ में योजक चिन्ह वाले शब्द छांटकर लिखिए। योजक चिन्ह वाले शब्द हैं पढ़ाई लिखाई, थोड़ा बहुत, पढ़ना लिखना, पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह, पढ़ा। ये कहलाता है योजक चिन्ह, ये वाला योजक चिन्ह, ये कहलाता है योजक चिन्ह। पढ़ा लिखा, साफ सुथरे, जीवन यापन, तीज त्यौहार। निम्नलिखित मुहावरे और लोक
उक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसमें किताब में ये दिया है वो वाला प्रश्न लोग उक्तियों का। तो लिखते हैं अपन, देखते हैं। आंखें फाड़ कर देखना, अत्यधिक ध्यान से देखना, ऐसे आंख फाड़ कर क्या देख रहे हो, नोट एकदम असली हैं। खा काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अज्ञानी सलमान अभी विद्यालय नहीं गया, उसके लिए अखबार में लिखे शब्द काला अक्षर भैंस बराबर हैं। बाजी मारना, जीत जाना, कबड्डी प्रतियोगिता में के उद्घाटन मैच में हमारे विद्यालय के दल ने बाजी मार ली, फूले नहीं समाना, अधिक प्रसन्न होना, ममता के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का समाचार को सुनकर उसके माता पिता फूले नहीं समाए। फिर है स्तंभ आ और स्तंभ बा के अनुसार कौन सा वाक्य सही है बनाइए। फिर है क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी का सही होगा। चौथा प्रश्नवाचक चिन्ह यही काम करना है का होगा। पांचवा साधारण वाक्य। फिर है रविवार के तुम दोनों मेरे पास आओ तो इसका होगा आज्ञावाचक वाक्य। फिर है हम यह नहीं कर पाएंगे मैं का होगा निषेधवाचक वाक्य। फिर इन लड़कियों को पढ़ाना चाहिए का होगा इच्छावाचक वाक्य। किताब का बहुवचन है किताबें, इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। लड़की का लड़कियां बहुवचन होगा, कॉपी का कॉपियां बहुवचन होगा, पाठशाला का पाठशालाएं बहुवचन होगा, अध्यापिका का अध्यापिकाएं बहुवचन होगा, सहेली का सहेलियां बहुवचन होगा और नौकरी का नौकरियां बहुवचन होगा। निम्नलिखित वाक्यों का में से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया वाले वाक्य छांट कर लिखिए। वाक्य हैं वह हंसता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखता है, हम सोते हैं, मोहन भागता है, वह फल खाता है। सकर्मक क्रिया वाले वाक्य मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पत्र लिखता है, वह फल खाता है। अकर्मक क्रिया वाले वह हंसता है, हम सोते हैं, मोहन भागता है। ठीक है, ये लिए हैं इसमें। सकर्मक और अकर्मक क्रिया का मतलब देखिए, जब क्रिया बिना कर्म के वाक्य में आती है तब अकर्मक क्रिया कहलाती होती है। सीता रोती है, इस वाक्य में कर्म नहीं है इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। जब क्रिया कर्म के साथ प्रयुक्त होती है उसे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे सारिका चित्र देखती है, इसमें सारिका चित्र देखती है इसलिए सकर्मक क्रिया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। धन्यवाद।